हे hey यूट्यूब, मैं हूं प्रिंस देसी प्रोग्रामर से और स्वागत है आप सबका पाइथन जैंगो की एक और नई वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं एक नए एप्लीकेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक न्यू टू डू एप्लीकेशन, जहां पे यूज़र एक फॉर्म के थ्रू नए नए टू डूज इनपुट कर सकता है और उन्हें कम्प्लीट होने के बाद डिलीट भी कर सकता है। पिछली वीडियो में हमने डेटाबेसेस के बारे में थोड़ा कुछ सीखा था। हमने ये जाना कि डेटाबेस में हम डेटा कैसे पुट करते हैं, डेटा कैसे गेट करते हैं। इस वीडियो में भी हम उन्हीं चीज़ों करने वाले हैं, साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि हम डेटा को कैसे डिलीट करते हैं। तब तक मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है पिप एंड सेल को यूज़ करके। एक नई फोल्डर बनाया मैंने डेस्कटॉप पे, उस फोल्डर को नाम दिया मैंने टू डू। वहाँ पर मैंने यूज़ किया पिप एंड सेल और एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, और उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज़ करके मैंने इंस्टॉल किया जैंगो =2.1। अब मुझे बनाना है एक प्रोजेक्ट और ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान है, आप पहले जानते हैं। मैं यूज़ करूँगा जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम भी है टू डू और यही सेम डायरेक्टरी में है। इसके बाद अगर मैं dir कमांड को फायर करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक manage.py और एक टू डू फोल्डर भी है। पाइथन स्पेस manage.py और अब मुझे स्टार्ट करना है एक ऐप और इस ऐप का नाम रहेगा टू डू ऐप। एंटरेट करते हैं और हमारा काम बन गया। अगर मैं इस टेक्स्ट एडिटर में आपको दिखाऊँ तो मेरे पास है टू डू ऐप और manage.py। मेरे पास ऑब्वियसली अभी SQLite3 डेटाबेस नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने सर्वर को रन नहीं किया है। रन करेंगे तो हमें मेरा हमारा डेटाबेस दिख जाएगा। तो चलिए एक बार अपने डेटाबेस को रन करते हैं, तो अपने एक्चुअली अपने सर्वर को रन करते हैं। तो आई विल से पाइथन स्पेस manage.py स्पेस रन सर्वर, एंटरेट करते हैं। अभी तक कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक db.sqlite3 करके नई फाइल बन गई है। और यहाँ पर अगर मैं जाऊँ cp://127.0.0.1 एंटरेट करूं, सॉरी मुझे एक्चुअली पोर्ट नंबर भी स्पेसिफाई करना है 8000, एंटरेट करता हूं तो मैं जो सिंपल सा जैंगो टेम्पलेट दिखता है वो हमें दिख रहा है कि द इंस्टॉल्ड वर्क सक्सेसफुली। वेल थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें अपने इस ऐप को कोड करते हैं। चाहिए हमें क्या, हमें पता है पिछली बार से कि हम डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं मॉडल्स फाइल को यूज़ करके। तो यहाँ पे वही करने वाले हैं हम। यूज़र जब भी हमारे इस जैंगो प्रोजेक्ट को ओपन करेगा तो यूज़र को बहुत सारी टू डूज दिखेंगी, वो नए टू डूज को ऐड कर सकता है, पुराने को डिलीट कर सकता है। बस ये सिंपल सा काम हमें करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया फोल्डर ऐड करते हैं जो कि रहेगा टेम्पलेट्स। ऑब्वियसली टेम्पलेट्स में ही हमारे पास HTML फाइल्स होंगी, तो ये होगा home.html। इसके बाद हमें जाना होगा अपने इस प्रोजेक्ट लेवल settings.py में और यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करनी है। आप सोचें क्या क्या। सबसे पहले इंस्टॉल्ड ऐप्स में मुझे बताना है कि एक नया ऐप है जो कि हमने खुद क्रिएट किया है और वो है टू डू ऐप। उसके बाद नीचे हमें टू डू ऐप, आई थिंक स्पेलिंग करेक्ट है या उसके बाद नीचे हमें टेम्पलेट्स में जाके डायरेक्टरीज में स्पेसिफाई करना होगा कि यहाँ पे जो टेम्पलेट्स डायरेक्टरीज है उसमें हमारे टेम्पलेट्स होंगे। यहाँ पे आपको मैं बात बता दूँ, कई बार मैं os.base os.path.join और फिर अंदर बेस डायरेक्टरी और टेम्पलेट्स करता हूँ, कई बार हम ऐसे नॉर्मल छोड़ देते हैं। फिर एक्चुअली जब हम प्रोडक्शन में चीज़ों को डालेंगे तो हम वैसे ही लिखेंगे, बट अभी हमारा मकसद इस चीज़ को प्रोडक्शन में नहीं भेजना है, बस ये समझना है कि टू डू ऐप हम कैसे बना सकते हैं, डेटाबेस के साथ हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे डेटा को डिलीट कर सकते हैं। इसलिए हम बस ऐसे ही चल रहे हैं। क्लोज करता हूँ मैं इसे सेव करके और यहाँ पर मेरा home.html एक h1 टैग सिंपल सा मैं यहाँ पे कर देता हूँ और ये रहेगा लेट्स से होम। सेव करते इसे, अभी भी इस पर कोई काम नहीं होगा, ऐसा इसलिए कि हम अपने स्टूडो ऐप में जाना होगा, हमें अपने views.py फाइल को खोलना होगा और यहाँ पे हमें कोई व्यू बनाना होगा। लेट्स से डिफाइन होम एक व्यू है और ये ऑफकोर्स एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा जो कि होगा रिक्वेस्ट, रिटर्न करेगा और रेंडर करेगा इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए एक टेम्पलेट को जो कि है home.html। सेव करते हैं, अभी भी हमें पता हमारा काम नहीं बनेगा, हमें अब अपने प्रोजेक्ट लेवल urls.py फाइल में जाना है और उस फाइल में अब हमें कहना है कि यहाँ पे आपको एक नया पाथ मिल रहा है और इसे मैं एम्प्टी छोड़ दे रहा हूँ। कहने मतलब कुछ ऐसा होगा कि जब भी कोई हमारे सर्वर को रन करे तो उसे एक होम फंक्शन दिखाओ, होम फंक्शन को इन्वोक करो और ये होम फंक्शन आएगा फ्रॉम टू डू ऐप डॉट व्यूज इम्पोर्ट होम। सेव कर लेते हैं, काम बन गया। वापस आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, हमें दिख रहा है होम।
यानी कि हम जो चाहते थे वो हो चुका है। अब बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात ना करते हुए सीधे हम बात करते हैं कि हमारे यूज़र को सबसे पहले तो वो टू डू ऐप है जिसके साथ वो काम करने वाला है, ठीक है। तो टू डू ऐप में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट होगा कि एक पर्टिकुलर टू डू का कंटेंट क्या है, दैट इज़ इट। यहाँ पे जिस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करें वो ये है कि जब हम चीज़ों को बनाएंगे तो वो कैसे दिखेंगी। ऑब्वियसली बात फ्रंट एंड की नहीं हो रही है, बैक एंड की हो रही है, और साथ में हम डेटा को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉडल्स डॉट पाई फाइल में हम बनाते हैं अपना एक न्यू क्लास, और लेट्स से क्लास है टू डू जो हमारा आइटम है, और हम यहाँ पे देंगे मॉडल्स डॉट मॉडल, और जो कंटेंट है हमारे टू डू का, जो कि टू डू कौन सा जो काम हमें करना वो रहेगा, मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड। सेव करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे, बंद करते हैं सर्वर को, फायर करते हैं पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पाई स्पेस मेक माइग्रेशंस। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि सिर्फ मॉडल्स बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें उसे माइग्रेट करना होगा। तो मेक माइग्रेशंस कमांड का फायदा ये होता है कि मॉडल्स डॉट पाई फाइल को चेक करता है उसमें कोई एरर तो नहीं है, एरर नहीं है तो हमें सीधे दिखेगा कि माइग्रेशंस हैं जिसमें हमने एक मॉडल बनाया है टू डू। फिर हम इसे माइग्रेट कर सकते हैं सीधे पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पाई स्पेस माइग्रेट, एंटर हिट करते हैं, माइग्रेशंस सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएंगे। माइग्रेशंस के अप्लाई होने के बाद अब ऑब्वियसली हम अपने इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ कर दे रहा हूँ पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पाई स्पेस रन सर्वर, सर्वर को मैं यहाँ पे रन कर ले रहा हूँ, फाइन। बट फिलहाल हम वापस आते हैं, मॉडल डॉट पाई को हम बंद करते हैं। हमें पता है कि हम डेटाबेस के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे हम डेटा को फेच करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर से बताने की ज़रूरत है। ऑल दो जब मैं ये डेटा फेच करूँगा तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा कि ये काम कैसे हो रहा है। तो वापस जाते हैं पहले इस टेम्पलेट्स में, होम डॉट एच टी एम एल में। पहले मैं बात करता हूँ कुछ डेटा को ऐड करने की, फिर हम बात करें डेटा को फेच करने की। ऐड करना काफ़ी आसान है, लेट्स से हम बोल रहे हैं टू डू ऐप, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए एक फॉर्म, और इस फॉर्म का एक्शन बाद में स्पेसिफाई करूँगा। मेथड है इस फॉर्म का पोस्ट। इस फॉर्म में क्या होगा, एक इनपुट रहेगा जिसका टाइप रहेगा टेक्स्ट, और कम ऑन टेक्स्ट, और यहाँ पे सपोज मैं प्लेस होल्डर दे दे रहा हूँ जो कि है एंटर ए टू डू, और इसे एक नेम देंगे क्योंकि हमें पता है कि इसी नेम को यूज़ करके हम अपने व्यूज डॉट पाई फाइल में काम करेंगे। तो इसे मैं नेम देता हूँ टू डू, लेट्स से फाइन। इसके बाद एक और इनपुट जिसका टाइप है सबमिट, और प्लेस होल्डर वगैरह कुछ नहीं, वैल्यू है इसमें ऐड क्योंकि हम टू डू को ऐड कर रहे हैं। सेव करते हैं, उसे काम नहीं बनेगा अभी भी क्योंकि एक पोस्ट है, तो हमें टेम्पलेट टैग में सी एस आर एफ मेथड देना पड़ेगा, सी एस आर एफ अंडरस्कोर टोकन नॉट मेथड टोकन। सेव कर लेते हैं हम। तो ऑल दो मैं मुझे पता है मैंने कोई फंक्शन कोड नहीं किया, बट ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। टू डू ऐप और ऐड, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। टू डू ऐप, यहाँ पर एक टू डू एंटर करेंगे और हम उसे ऐड कर सकते हैं, फाइन। अब वापस आते हैं, एक्शन की हम बात कर लेते हैं। एक्शन जो है वो पॉइंट करेगा एक मेथड पे, जो कि ऑल्दो हमने अभी कोड नहीं किया है बट मैं उसे नाम दे देता हूँ, इस मेथड का नाम है ऐड। सेव कर लेते हैं। अब हम अपने इस टेम्पलेट को क्लोज कर सकते हैं, या फिर काम करते हैं अपने टू डू ऐप में जाते हैं, व्यूज डॉट पाई को ओपन करते हैं, कोड करते हैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन ऐड। इसमें हमें करना क्या है, ये ऑब्वियसली एक रिक्वेस्ट पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। इसमें हमें करना क्या है, हमें ये कहना है कि टू डू आइटम जो है वो क्या है। हमें सबसे पहले फेच करना है टू डू आइटम को अपने इस होम डॉट एच टी एम एल फाइल से। तो हम बोलेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और जो डेटा हमें फेच करना है उसका नाम है टू डू, तो ये टू डू आइटम में सेव हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं इसे टू डू में ही सेव कर लेता हूँ, और फिर मेरे पास होगा एक टू डू आइटम, और ये टू डू आइटम को यूज़ करके हम एक नया टू डू बनाएंगे अपने इस क्लास के लिए, नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके लिए हमें यहाँ पे उसे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट, जो मॉडल हमने बनाया जो कि है टू डू, इसे इम्पोर्ट करते हैं। तो एक नया टू डू आइटम क्या होगा, इस टू डू क्लास में एक पैरामीटर होना चाहिए कंटेंट जो कि है फिलहाल टू डू। सेव करते हैं, और फिर हमें लिखना पड़ेगा टू डू आइटम डॉट सेव। यहाँ क्या क्या काम हुआ अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा कि
जब भी यूजर इस फॉर्म को सबमिट करेगा कोई टू डू डेटा को डाल के, तो करना क्या है, व्यूज डॉट पायल में इस एड फंक्शन को कॉल करना है, जो कि सबसे पहले इस इनपुट में जो भी दिया गया है, जो कि इसका नाम है टू डू है, उसे फेच करेगा। उसके बाद एक नया टू डू आइटम बनाएगा जो कि एक टू डू क्लास है, जो कि एक मॉडल हमने क्रिएट जो भी क्रिएट किया है उसका एक ऑब्जेक्ट होगा, जहाँ जो कंटेंट है वो वही कंटेंट है जो कि यूजर ने दिया है, यानी कि टू डू। और फिर हम इसे सेव करेंगे, यानी कि अब यह डेटाबेस में सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद हम इसे रेंडर कर देंगे, कहाँ पे, होम में। तो एक्चुअली हमें रिटर्न करके रेंडर करना है, रेंडर नहीं रिडायरेक्ट करना है, तो रिटर्न और रेंडर नहीं रिडायरेक्ट, जिसके लिए हमें यहाँ पे रिडायरेक्ट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो हम सेइंग रिडायरेक्ट, तो रिटर्न रिडायरेक्ट होम। यानी कि ये सब करने के बाद वापस से इस होम मेथड को मैं कॉल करना चाहता हूँ, फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, जो कि ऑब्वियसली होम डॉट एच टी एम एल को रिटर्न कर देगा। सेव करते हैं हम, अभी भी काम नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मैंने ऐड तो कर दिया लेकिन हमें यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो अब बात करते हैं दिखाने के भी। तो ये था किसी भी डेटा को ऐड करना, ठीक है। हमारे इस मॉडल में जितने भी सारे आइटम्स रहेंगे, फिलहाल यहाँ तो सिर्फ एक कंटेंट ही था, आप देख सकते हैं सिर्फ एक कंटेंट था। अगर कुछ और रहेगा तो हमें उन सबको सेटिस्फाई करना होगा, तो जाके हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे और अपने डेटा टेबल में उसे राइट कर पाएंगे अपने डेटाबेस में। अब बात कर डेटा को फेच करने की, तो लेट्स से जो भी सारा डेटा है उसे हम कैसे फेच करते हैं। तो टू डू क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं मुझे वो सारे चाहिए, मैंने वही कहा टू डू डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, और इसे मैं पास कर दूंगा अपने इस पर्टिकुलर टेम्पलेट में एज ए डिक्शनरी। तो की है डेटा और जो वेरिएबल है वो भी डेटा है, तो सेव करते हैं हम इसे, एक कोलोन होना चाहिए, कोई एरर नहीं है यहाँ पे अब तक। तो वापस चलते हैं अपने गूगल क्रोम में, रिफ्रेश करते हैं और एरर आ गया, एरर है कि एड नॉट फाउंड। ऑब्वियसली हमने थोड़ी सी गलती की है, urls.py फाइल में हमें जाना होगा अभी भी। यहाँ पे हमें कहना पड़ेगा कि भैया एक और नया पाथ है, ये पाथ है ऐड, जो ये कॉल करेगा एक फंक्शन को जो कि है ऐड, जिसे हमने यहाँ पे अभी तक इम्पोर्ट नहीं किया है। ऑब्वियसली हमने उसे कोड कर लिया था, इम्पोर्ट नहीं किया था, और जो कि उसे हम अपने url पैटर्न से कॉल कर रहे हैं, मुझे इसे नेम ही देना पड़ेगा जो कि होगा ऐड। सेव कर लेते हैं, अब हमें कोई एरर नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली पिछली बार भी नहीं दिखा था। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, चूंकि मेरे डेटाबेस में अभी तक कोई भी कोई टू डू नहीं है, इसलिए हमें बाय डिफॉल्ट कोई टू डू नहीं दिख रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक टू डू डाल रहा हूँ, रिकॉर्ड वीडियोस, ऐड करते हैं। अब देख सकते हैं हमें कोई एरर मिल गया जो ये कह रहा है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। देखते हैं कहाँ पे एरर है, टू डू आइटम इज इक्वल टू डू कंटेंट इज इक्वल टू टू डू। एक्चुअली हमने वेरिएबल नेम में थोड़ी गलती की है, लेट्स से मैं इसे बोलता हूँ टू डू डेटा, और इसे भी हम कर देते हैं टू डू डेटा, क्योंकि जो हमारा क्लास है वो और टेम्पररी वेरिएबल जो हमने बनाया था, ऑल्दो ये टेम्पररी नहीं था बट इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन में है, वो दोनों सेम हो गए थे। हम इसे सेव करते हैं, आई होप अब कोई एरर नहीं मिले। हम वापस से होम पेज को लोड करते हैं और अब मैं डाल रहा हूँ रिकॉर्ड वीडियोज, ऐड करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑल्दो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है बट हमने अपने इस होम डॉट एच टी एम एल में उस डेटा को फेच नहीं किया है। तो इस फॉर्म के बाद वापस से हम एक फॉर लूप चलाएंगे, और आपको पता है हम फॉर लूप कैसे चलाते हैं, यहाँ पे जो हमारा फॉर का सिंटेक्स रहेगा वो रहेगा, और फिर यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए एक एंड फॉर। सेव करते हैं, फॉर लूप में क्या है, मैं बस ये कह रहा हूँ फॉर आइटम्स इन डेटा, जितने भी डेटा में आइटम्स हैं सबके लिए करना क्या है, एक H2 टैग है, ठीक है। एक H2 टैग में मुझे चाहिए ये सारा आइटम का कंटेंट, क्योंकि हमारे कंटेंट्स में ही टू डू है। तो आइटम डॉट कंटेंट सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हो, आप देख सकते हैं कि हमें दिख रहा है रिकॉर्ड वीडियोस, फाइन। कुछ और टू डू ऐड करते हैं, लेट्स से एडिट वीडियोस ऐड करता हूँ मैं, हाउ में नीचे दिख रहा है एडिट वीडियोस। कुछ और बोलते हैं, लेट्स से अपलोड वीडियो, कम ऑन वीडियो ऐड करते हैं, तो अब दिख रहा है हमें अपलोड वीडियो। तो हमने अब तक क्या किया, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं था, बट ऑब्वियसली हमने एक सिंपल सा टू डू ऐप को कोड किया है, आई मीन ऑब्वियसली हाफ पार्ट को हमने कोड किया है, जिसमें यूजर एक टू डू को ऐड कर सकता है और हमारे इस फाइल में, एक्चुअली हमारे इस HTML पेज में वो सब उन्हें दिखेगा। अब बात है यहाँ पे इसे डिलीट करने की, वो हम कैसे करेंगे। तो ये करना भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है,
बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, बस हमें उन चीज़ों को, मतलब ऑब्वियसली हमने इन चीज़ों के बारे में पहले बात नहीं की है, इसलिए थोड़ा अभी अजीब लग सकता है। तो इन सब, ये जितने भी आइटम के कंटेंट हैं, मुझे इन सब के बाद एक डिलीट बटन चाहिए, ठीक है। तो जब भी यूजर उस डिलीट बटन पर प्रेस करेगा, हम उस पर्टिकुलर आइटम को डिलीट कर देंगे। डिलीट कैसे करेंगे, मतलब कैसे पता चलेगा वही पर्टिकुलर आइटम है, उसके बारे में तुरंत बात करेंगे। बट सबसे पहले हम इस फॉर्म को, मैं यहाँ पर, हमें हर एक के लिए एक डिलीट बटन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी आसान है, मुझे हर लूप के लिए क्रिएट करना है एक नया फॉर्म, जिसका अगेन मेथड होगा पोस्ट एक्शन। मैं बाद में कोड करने वाला हूँ, मैं हैश कर देता हूँ फिलहाल। अब यहाँ पर इस फॉर्म में क्या होगा, सबसे पहले इस फॉर्म में एक H2 टैग होगा, जहाँ पे जो हमारे आइटम्स का कंटेंट है, यानी कि जो यूज़र का टू डू है, वो दिखाया जाएगा। इसके बाद एक इनपुट है, जिसका टाइप है सबमिट, वैल्यू है डिलीट, ये हमें दिखेगा। सेव करते हैं, तो अब देखते हैं यहाँ पे ये कैसा दिख रहा है। तो सबके बाद हमें एक डिलीट बटन दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्शन हमें जो कोड करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। पर इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये हर एक डेटा जो हम ऐड करते हैं, इन सब की एक यूनिक आईडी जनरेट होती है हमारे डेटाबेस टेबल में, और इसी उसी पर्टिकुलर आईडी को यूज़ करके हम इन्हें डिलीट करेंगे। तो एक्शन में मैं कॉल कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक मेथड तो हम यूज़ करते हैं, जो कि हमने ऊपर भी यूज़ किया है, टेम्पलेट टैग के अंदर URL के बाद स्पेस देके हम अपने फंक्शन का नेम देते हैं। एक और तरीका मैंने बताया था, जहाँ पर हम डायरेक्ट अपने फंक्शन का नेम दे सकते हैं, यहाँ पे मैं वही करने वाला हूँ, ठीक है। इसे मैं यूज़ ना करके, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ कि इसे करने पर एक फंक्शन को कॉल करना है, जिसका नाम है डिलीट। सेव करते हैं इसे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे मल्टीपल टू डूज़ हैं, या जैसा आप देख सकते हैं मल्टीपल टू डूज़ हैं, तो कौन से डिलीट बटन को प्रेस किया गया है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए इसके बाद हम एक और पैरामीटर पास करेंगे, और वो ये है इस पर्टिकुलर कंटेंट की आईडी। तो हम पास करेंगे एक पाइथॉनिक वेरिएबल कोड, जो कि है आइटम्स डॉट आईडी। सेव करते हैं, तो जितने भी आइटम्स हैं उन सबकी आईडी रहेगी इस फॉर्म में, और उस फॉर्म के कंटेंट में उनका आइटम का कंटेंट रहेगा, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अब हमें वापस अपने यूआरएल्स डॉट पाई में जाना है, जहाँ पर हमें एक और पाथ को ऐड करना है, और ये पाथ है यहाँ पे डिलीट। लेकिन अब अभी मैं आपको एक छोटी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, लेट्स से हम इसे ऐड फंक्शन पे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें एरर मिलने वाला है। रिफ्रेश करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मैं रिकॉर्ड वीडियोस पे डिलीट क्लिक करूंगा, आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ दिखनी चाहिए, ये यूआरएल पैटर्न पे ध्यान दें। डिलीट के बाद हमें एक /1 मिल रहा है, ठीक है। पीछे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, हमें डिलीट /2 मिल रहा है। पीछे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, हमें डिलीट /3 मिल रहा है। तो ये तीनों क्या है, उनकी आईडीज है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ कि ये जो यूआरएल पैटर्न है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ऐसा करना तो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पे बहुत सारे पाथ कोड लिख दूँ, delete 1, delete 2, delete 3, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम डॉट एच टी मैंने कहा है डिलीट के बाद एक आइटम की आईडी आएगी, जो कि एक वेरिएबल है। तो यूआरएल डॉट पाई में मैं ये कह रहा हूँ कि इस डिलीट के बाद जो भी नंबर आएगा, ठीक है, वो एक इंट टाइप का होगा, और उसे नेम देना है। लेट्स से उसे मैं नेम दे रहा हूँ टू डू की आईडी। सेव कर लेते हैं। कहने का मतलब ये कि इस डिलीट के बाद आपको जो भी नंबर मिले उसे आप असाइन कर दे एक नेम, जो कि रहेगा टू डू आईडी। कॉल करें यहाँ पे डिलीट फंक्शन को, जिसे हमें कोड करना बाकी है, तो हम उसे अब कोड कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि डिलीट की स्पेलिंग अब बदलेंगे नहीं, बट लेट्स से कि हम इसका नाम रखते हैं डिलीट आइटम, क्योंकि डिलीट फंक्शंस ऑलरेडी हैं, तो ऐसे डिलीट लिखना सही नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डिफाइन डिलीट आइटम, जो कि लेगा एक रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे यूआरएल डॉट पाई में मैंने लिखा है डिलीट आइटम, ऑब्वियसली यहाँ भी मुझे करना पड़ेगा आइटम, बट डिलीट आइटम के साथ, डिलीट आइटम जो हम करेंगे, यानी फंक्शन को जो हम कॉल करेंगे, तो हमें डेटा को डिलीट करना होगा, जिसके लिए ये आईडी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी इंटीजर हमें मिल रहा है इस डिलीट आइटम के बाद, वो हमने टू डू आईडी को, हमने उसे एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। तो यहाँ पर हम उसे भी एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, टू डू आईडी, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर आईडी के लिए जो भी कंटेंट है वो हमें गेट करना है। तो लेट्स से कि जो आइटम है वो क्या है, आइटम इज इक्वल टू टू डू डॉट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स नहीं, ऑब्जेक्ट हमें एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए जिसे हम गेट करना है, जहाँ पर जो उसकी आईडी होगी वो होगी टू डू आईडी, ठीक है। और इस आइटम को मुझे डिलीट कर देना है, कमांड डी ई एल ई टी ई, डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद वापस मैं चाहता हूँ कि आप चले जाएं, रीडायरेक्ट हो जाएं मेरे होम पेज पे। छोटा सा कोड है, सेव करते हैं, एरर्स आ सकते हैं, आई एम डैम श्योर। ओके, तो रिफ्यूज टू कनेक्ट, एरर क्या है, डिलीट इज नॉट डिफाइंड। फाइन, मैंने उस फाइल को सेव नहीं किया था क्या, डिलीट आइटम, सेव कर लेते हैं इसे, अब एरर नहीं है। तो रिफ्रेश करते हैं इसे, कुछ नहीं दिख रहा हमें। सपोज मैं रिकॉर्ड वीडियोस पे डिलीट क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, मैं एक एरर दिख रहा है, यू कॉल दिस यू आर एल वाया पोस्ट बट यू आर एल डज नॉट एंड इन ए स्लैश, यू हैव टू अपेंड स्लैश सेट। ओके, हमें एक स्लैश को एंड करना होगा यहाँ पे। तो वापस जाते हैं हम अपने HTML कोड में, और इसके बाद हमें एक स्लैश देना है, दो चीज़ें भूल रहे थे, ठीक है। उसके बाद चूंकि ये एक पोस्ट मेथड है, हमें टेम्पलेट टैग में CSRF_token भी देना होगा। सेव कर लेते हैं CSRF token, इस पोस्ट को भी मैं कैपिटल कर देता हूँ, देखने में तुरंत आई मीन इट लाइक एक बार में दिखता है कि हाँ ये एक पोस्ट मेथड है। सेव कर लेते हैं, शायद अब हमें कोई एरर ना दिखे, रिफ्रेश करते हैं, डिलीट पे मैं क्लिक करता हूँ, वापस कोई एरर, टू डू हैज़ नो एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट। वेल, छोटी सी एरर ये है कि यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट्स होगा क्योंकि टू डू डॉट ऑब्जेक्ट के बाद गेट मेथड को जो हम यूज़ करेंगे, तो वैसे मैंने पहले कहा कि टू डू डॉट ऑब सिर्फ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम एक एक सिंगल ऑब्जेक्ट को गेट करने वाले हैं, लेकिन पूरे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इटरेट करना पड़ेगा जब तक ये हमें टू डू आईडी ना मिल जाए। तो इसलिए टू डू डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, यही सिंटैक्स है। वापस आते हैं और वापस से अपने इसे रन करते हैं, अब डिलीट पे क्लिक करते हैं तो डिलीट हो रहा है। एडिट वीडियोस को डिलीट करते हैं, डिलीट हो रहा है। अपलोड वीडियो को डिलीट करते हैं, डिलीट हो रहा है। वापस कुछ ऐड करते हैं, लेट्स से सी एनालिटिक्स ऐड करते हैं, ऐड हो रहा है। लेट्स से रिकॉर्ड अनदर वीडियो ऐड करते हैं, ऐड हो रहा है। डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट भी हो रहा है। तो ऑब्वियसली हमने एक सिंपल से टू डू ऐप को कोड किया है, पाइथन और जैंगो फ्रेमवर्क को यूज़ करके, डेटाबेसिस को भी हमने यूज़ किया था। इसे हम स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में स्टाइल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये बैक एंड ट्यूटोरियल, और स्टाइल करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपल सा बूटस्ट्रैप मेटेरियलाइज CSS, या फिर जिसे अच्छे से CSS आती है वैसे भी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। उसे हम करेंगे तब जबकि अगले बार कोई अच्छा सा फुल स्टैक प्रोजेक्ट कोड करेंगे। फिलहाल आज इस वीडियो में बस इतना ही, हमने टू डू ऐप को बना लिया, हम एक टू डू को ऐड कर सकते हैं और टू डूज को डिलीट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी आसान है, फनी है, ऑब्वियसली देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन बैकएंड काम हमें पता है कि हो रहा है। तो बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम पाइथन जैंगो के बारे में और सारी बातें करने वाले हैं।